मान लो हमने एक मॉलिक्यूल लिया जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 250 मॉलिक्यूलर मास है, 250 मॉलिक्यूलर मास है। और जब इसका मास स्पेक्ट्रा हमें ऑब्जर्व करना होगा, जब इसका 250 मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल का हमें मास स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसका मॉलिक्यूलर आयन बनाएंगे, मॉलिक्यूलर आयन बनाएंगे, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन का में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कुछ मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, तो जो मॉलिक्यूलर आयन बनता है उसका भी कितना मास होगा, 250 होगा, उसका भी मास कितना ही होगा, 250 ही होगा, ठीक है। और अब ये मानो कि मैंने इस 250 मास के 10,000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 250 मास के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 10,000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो आपका मॉलिक्यूलर आयन कितने मॉलिक्यूल्स का बना, आपके मॉलिक्यूलर आयन जो है मैं मानता हूँ 9,000 मॉलिक्यूल्स में से मैंने, ठीक है, 9,000 मॉलिक्यूल्स में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को इजिली आयनाइज कर पाया, 9,000 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयनाइज कर पाया मैं, 9,000 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हुए, 9,000 मॉलिक्यूल जो है वो आपके आयनाइज हुए, ठीक है। मॉलिक्यूल मैंने क्या माना था, मॉलिक्यूल को मैं एम मान लेता हूँ, तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मॉलिक्यूलर आयन एक रेडिकल कैटायन होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एम रेडिकल और डॉट, एम रेडिकल और डॉट, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं मॉलिक्यूलर आयन को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये मॉलिक्यूलर आयन आपका फ्रेगमेंट होगा, इसके बाद आपका ये मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा, आपका ये मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट होगा। और जब ये फ्रेगमेंट होगा तो देखो कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो पॉसिबिलिटी क्या होती है, हो सकता है आपका मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट ही ना हो, हो सकता है आपका मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट ही ना हो, और अगर यहाँ मॉलिक्यूलर आयन का एम बाई जेड निकालोगे तो मास कितना था मॉलिक्यूलर आयन का, मॉलिक्यूलर आयन का मास था 250, और मॉलिक्यूलर आयन पर चार्ज कितना था, मॉलिक्यूलर आयन पर चार्ज 1 था, मॉलिक्यूलर आयन पर चार्ज क्या था, 1 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, ये 250 हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 250 आता है आपके, क्या आता है यहाँ पे 250, एम बाई जेड मॉलिक्यूलर आयन का 250 आता है। तो हो सकता है 250 मॉलिक्यूलर आयन के लिए, 250 मॉलिक्यूलर आयन के लिए, ठीक है, आपका आपके 1,000 जो आयंस थे, 1,000 जो आयंस थे वो आपके डिसोसिएट ही नहीं हुए, फ्रेगमेंट ही नहीं हुए, 1,000 आयंस मैंने क्या मान लिए, फ्रेगमेंट ही नहीं हुए, ठीक है। फिर मैं मानता हूँ 2,000 आयंस ऐसे थे जो फ्रेगमेंट हो गए, और फ्रेगमेंट होके उन्होंने 200 मास दिया, 2,000 आयंस ऐसे थे जिन्होंने फ्रेगमेंट होके कितना मास दिया, 200 मास दिया। फिर मैं मानता हूँ 4,000 आपके आयंस थे जिन्होंने 250 से फ्रेगमेंट होके 150 मास का एक आयन दिया, और मैं ये मानता हूँ 2,000 आपके आयंस थे जिन्होंने 250 से फ्रेगमेंट होके 100 मास का एक आयन दिया, ठीक है। इतने इन इन आयन के देखो टोटल 9,000 मॉलिक्यूल आपने लिए थे, टोटल आपने कितने मॉलिक्यूल लिए थे, ये 9,000 लिए थे देखो जो आयनाइज हुए थे, और ये जो 9,000 आयनाइज हुए थे उसमें से देखो टोटल ये 9,000 का ही आपने ये बता दिया कि जिन 9,000 मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बना था वो 9,000 के 9,000 मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ गए, उन 9,000 में से 1,000 मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट नहीं हुए, 2,000 मॉलिक्यूल ने फ्रेगमेंट होके 200 मास का आयन दिया, 4,000 मॉलिक्यूल ने फ्रेगमेंट होके 150 मास का दिया, और 2,000 मॉलिक्यूल ने फ्रेगमेंट होके 100 एम बाई जेड का आयन दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी होती है, यहाँ से हमें रिलेटिव इंटेंसिटी निकालनी होती है, यहाँ से हमें रिलेटिव इंटेंसिटी निकालनी होती है, रिलेटिव इंटेंसिटी निकालनी होती है। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, एक सेकेंड, क्या था आपका, एक सेकेंड, एम बाई जेड मॉलिक्यूलर आयन जो बना था वो 250 का बना था, ठीक है, कितने थे, 9,000 आयन थे, 9,000 आयन्स थे, ये स्प्लिट हुए थे चार पार्ट में, ये स्प्लिट हुआ था चार पार्ट में, ठीक है, एक सेकेंड, ये स्प्लिट कितने पार्ट में हुआ था,
चार पार्ट में स्प्लिट हुआ था, ठीक है। एक आपका आया था एम बाई जेड 250 का, एक आया था 200 का, एक आया था 150 का और एक आया था 100 का। 250 वाला आयन काउंट कितना था? 250 वाला आयन काउंट 1000 था, ये वाला 2000 था, ये वाला 4000 था, ठीक है, और ये वाला 2000, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है रिलेटिव इंटेंसिटी। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है रिलेटिव इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटी देखना, जो एम बाई जेड सबसे ज्यादा आयन काउंट के साथ है उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जो एम बाई जेड सबसे ज्यादा आयन काउंट के साथ है उसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। आप फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आप क्या निकाल रहे हो? रिलेटिव इंटेंसिटी निकाल रहे हो। आप रिलेटिव इंटेंसिटी निकाल रहे हो। आप रिलेटिव इंटेंसिटी जब इस 250 मास वाले की निकालोगे तो 250 मास वाले के आयन कितने बने? 1000 बने। 250 वाले के आयन कितने बने? 1000 बने। रिलेटिव निकाल दो तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? जो सबसे ज्यादा बने थे उसके रिस्पेक्ट में। रिलेटिव निकाल रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? जो सबसे ज्यादा बने थे उसके रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो 4000 वाले के रिस्पेक्ट में ये 1000 वाला कितना आएगा? ये 1000 वाला 25% आएगा, ठीक है। अच्छा फिर से 2000, ये जो 200 मास के 2000 आयंस बने थे, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कितनी? 2000 ये आयन बने थे। रिलेटिव इंटेंसिटी तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला 150 मास का था, 4000 बने थे, मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये कितना आ जाएगा? ये आपका 50% आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 150 मास के 4000 आयन बने थे, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? 4000 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना आ गया? 100%। एक सेकेंड रुकना, ठीक है, ठीक है। और ये वाले कितने बने? 2000 बने हैं, ठीक है। 4000 के रिस्पेक्ट में निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आया? ये आया आपका 50, ये भी 50% आया, ठीक है। अब मास स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है? ये मास स्पेक्ट्रा आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इस तरीके से आपका मास स्पेक्ट्रा होता है। यहाँ पे क्या होता है? एम बाई जेड रेशियो, इधर एम बाई जेड इंक्रीज करता है और इधर क्या करती है? इधर रिलेटिव आयन काउंट होता है, या रिलेटिव इंटेंसिटी लिख सकते हो। इधर रिलेटिव वाई एक्सिस पे रिलेटिव इंटेंसिटी, जेड एक्सिस पे ना सॉरी एक्स एक्सिस पे एम बाई जेड। एम बाई जेड देखो, सबसे ज्यादा एम बाई जेड किसका है? 250 वाले का है। सबसे ज्यादा एम बाई जेड किसके वाले किसका है? 250 वाले का। तो 250 वाला सबसे आगे आएगा और इसकी देखो ये 100% है, ये 100% है। अगर मैं ये 100% मानता हूँ तो इस 250 वाले की इंटेंसिटी कितनी है? 250 वाले की इंटेंसिटी 25% है। अगर ये पूरा 100 है वाई एक्सिस तो ये 25% कितना होगा? इतना ही होगा, है ना, 25%। अच्छा उसके बाद कौन सा आएगा? 200 वाला। मैं यहाँ दिखा देता हूँ 200 वाले की इंटेंसिटी कितनी है? 200 वाले की इंटेंसिटी 50% है। फिर मैं दिखाता हूँ 150 वाले की इंटेंसिटी कितनी है? 150 वाले की इंटेंसिटी 100%, ठीक है। और फिर मैं दिखाता हूँ 100 वाले की इंटेंसिटी कितनी है? 100 वाले की इंटेंसिटी आपकी 50%, ठीक है। इस तरीके से ये आपका रिलेटिव इंटेंसिटी और वर्सेस एम बाई जेड का ग्राफ प्लॉट होता है। और इसी ग्राफ को क्या कह देते हैं? इसी ग्राफ को हम मास स्पेक्ट्रा कह देते हैं, ठीक है। इसी ग्राफ को हम क्या कह देते हैं? मास स्पेक्ट्रा कह देते हैं। जब इस स्पेक्ट्रा को देखोगे तुम, ठीक है, तो तुम्हें ये दिखेगा ये जो 150 वाला जो सबसे ज्यादा ये 150 मास वाला था ना, इसकी जो इंटेंसिटी है ये सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इंटेंसिटी है इसकी। और जो हाईएस्ट इंटेंसिटी पीक होती है ना मास स्पेक्ट्रा में, उस पीक को बेस पीक कहा जाता है। हाईएस्ट इंटेंसिटी पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बेस पीक या बेस सिग्नल। जो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला सिग्नल होता है उसको बेस सिग्नल कहा जाता है। और जो सबसे ज्यादा एम बाई जेड वाला होता है, सबसे ज्यादा एम बाई जेड यहाँ लिखता हूँ, ये वाला जो है ये हाईएस्ट एम बाई जेड वाला है, जो सबसे ज्यादा एम बाई जेड वाला होता है उसको क्या लिखते हैं? उसको मोलिकुलर आयन सिग्नल लिखते हैं। हाईएस्ट
हाईएस्ट एम बाई जेड वाले को क्या लिखते हैं हम, हाईएस्ट एम बाई जेड वाले को क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल लिखते हैं, मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल लिखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वो बेस पीक, जिसका एम बाई जेड सबसे ज्यादा है वो मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल। ठीक है, अनफ्रेगमेंटेड सिग्नल, ये 250 वाला क्या था, अनफ्रेगमेंटेड था ना, 250 वाला क्या था बताना, 250 आप मॉलिक्यूलर मास लेके चले थे और 250 वाला अनफ्रेगमेंटेड था, तो ये जो अनफ्रेगमेंटेड वाला सिग्नल होता है ना, इसको मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल कहते हैं। मैं लिखता हूँ आगे, एक सेकेंड देना मेरे को, मैं ये यहाँ क्या लिखता हूँ, द मोस्ट इंटेंस पीक, द मोस्ट इंटेंस पीक, मोस्ट इंटेंस इंटेंस पीक या मोस्ट इंटेंस सिग्नल ऑफ मास स्पेक्ट्रम, ऑफ मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, ऑफ मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड ठीक है, बेस सिग्नल या बेस पीक। ध्यान देना इस बात को, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और दूसरी बात, द मास सिग्नल ऑफ अनफ्रेगमेंटेड मॉलिक्यूल द मास सिग्नल ऑफ अनफ्रेगमेंटेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल। अच्छा देखना, मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल को मैं एम आई सिग्नल लिखूंगा। ठीक है, एम आई सिग्नल, मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल। अब एक चीज ध्यान देना, मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल जब तुमने देखा है तो तुमने कहाँ देखा है, हाईएस्ट एम बाई जेड को, और जब आपने बेस पीक देखी है तो आपने क्या देखी है, हाईएस्ट इंटेंसिटी देखी है ना। जब आपने मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल देखा है तो हाईएस्ट एम बाई जेड देखा है, जब आपने रिलेट बेस पीक देखी है तो हाईएस्ट इंटेंसिटी पीक होती है। तो अगर मैं आपको कोई मास स्पेक्ट्रा दे दूं, अगर मैं आपको कोई ऐसे करके मास स्पेक्ट्रा दे दूं किसी अननोन कंपाउंड का, जिसमें कुछ मैं पीक बना दूं एम बाई जेड पे, ठीक है, कुछ मैं ऐसे करके पीक बना दूं, और यहाँ पे मैं एक रिलेटिव इंटेंसिटी दे दूं, तो जब आपको बेस पीक निकालनी है, तो आप ये देखोगे कि हाईएस्ट इंटेंसिटी किसकी है। ठीक है, इस एक्सिस को अगर मैं वाई एक्सिस कह देता हूँ, तो वाई एक्सिस के अलोंग जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पाएगी वो बेस पीक कहलाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पाएगी वो बेस पीक कहलाएगी, उसका मॉलिक्यूलर मास ना, उस पीक के लिए एम बाई जेड वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमें उस एम बाई जेड से मतलब नहीं है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जहां जो ये एम बाई जेड वाला एक्सिस मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ, और इस एक्स एक्सिस पे जो सबसे आगे पाएगा, वो आपका मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल हो सकता है। मैंने ये वर्ड कहा है साथ में, हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल हो सकता है, कंफर्मली नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है, आपको मेजरली केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, मेजरली केसेस में देखने को मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो जब आप बेस पीक ढूंढोगे तो बेस पीक के लिए आपको वाई एक्सिस में सबसे ज्यादा देखना है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है वाई एक्सिस पे, और जब आपको मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल देखना है, तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे एम बाई जेड वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है। अब देखो, तीन केसेस आ सकते हैं, देखो आपके दो चीजें बनी, एक आपका मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल है, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल का क्या है, हाईएस्ट एम बाई जेड है, और एक आपका बेस पीक है, ठीक है, जिसकी क्या है, हाईएस्ट इंटेंसिटी है, ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब यहाँ से तीन केस आ सकते हैं, ठीक है, तीन केस कैसे, देखो मैं ऐसा कहता हूँ कि आपके तीन केस ऐसे आ सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल ही, देखो आपने क्या कहा था,
आपने क्या कहा था कि आपने पहले एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मॉलिक्यूलर आयन बनाया है ना, और फिर उस मॉलिक्यूलर आयन को फ्रेगमेंट करके छोटे आयन बनाओगे। तो एक बात मुझे बताना कि कोई भी स्पीशीज फ्रेगमेंट कब होती है, जब वो थोड़ी कम स्टेबल हो, और फ्रेगमेंट होके वो कुछ छोटे छोटे पार्ट दे दे जो स्टेबल हो, है ना, बात समझ आई। कोई भी स्पीशीज फ्रेगमेंट कब होगी, जब वो थोड़ी कम स्टेबल हो और वो फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट होके थोड़े छोटे पार्ट दे दे, कम मॉलिक्यूलर मास के पार्ट दे दे, आयन दे दे जो थोड़े ज्यादा स्टेबल हो। तो देखो पॉसिबिलिटी कैसे आती है, पहली सिचुएशन वन ये होती है कि आपका जो मॉलिक्यूलर आयन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। आपने एक इलेक्ट्रॉन अपने मॉलिक्यूल में से निकाला और वो मॉलिक्यूलर आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ द मॉलिक्यूलर आयन, इफ द मॉलिक्यूलर आयन इज द मोस्ट स्टेबल, इफ द मॉलिक्यूलर आयन इज मोस्ट स्टेबल, इफ द मॉलिक्यूलर आयन इज मोस्ट स्टेबल, तो क्या होगा, तो क्या होगा, देन देन मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल, मॉलिक्यूलर आयन पीक विल बी बेस पीक, देन द मॉलिक्यूलर आयन पीक विल बी द बेस पीक वो आएगी जिसकी जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। बेस पीक कौन सी आएगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा है ना। एक चीज मुझे बताना, मैं पिछली स्लाइड्स पे चलता हूँ। बेस पीक आप किसको कह रहे हो, जिसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी आएगी, जिसके आयन सबसे ज्यादा बनेंगे फ्रेगमेंट होके, बताना, जिसके आयन सबसे ज्यादा बनेंगे, और सबसे ज्यादा आयन किसके बनेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा आयन किसके बनेंगे भाई, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना कि बेस पीक आपको मोस्ट स्टेबल पार्ट भी बता रही है आपके उसका स्पीशीज का, मोस्ट स्टेबल आयन के बारे में बता रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका मॉलिक्यूलर आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल ही क्या हो जाएगा, आपका बेस पीक हो जाएगी। और आपको स्पेक्ट्रा, जो आपका मास स्पेक्ट्रम है, वो कैसे दिखने लग जाएगा, देखो अगर मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल ही आपका बेस सिग्नल बन गया, तो मुझे बताना जिसका एम बाई जेड आपका मॉलिक्यूलर आयन क्या था, मॉलिक्यूलर आयन का हाइएस्ट एम बाई जेड था, हाइएस्ट एम बाई जेड था। और अगर इसका ये बेस पीक बन गया तो इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, और सबसे आगे ये ऐसे दिखेगा, और फिर बाकी के दिखेंगे, बताना भाई ऐसा ही होगा क्या, जिसका हाईएस्ट एम बाई जेड होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, जिसका हाईएस्ट एम बाई जेड होगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी लेता हूँ, सिचुएशन टू लेता हूँ, सिचुएशन टू, सिचुएशन टू में क्या होगा, सिचुएशन टू में आपका ये होगा कि मोलिकुलर आयन आपका मोस्ट अनस्टेबल हो। इफ द मोलिकुलर आयन इज मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज, इफ द मोलिकुलर आयन इज द मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज, और अगर सबसे ज्यादा अनस्टेबल हुआ तो बताना क्या उसका कोई आयन काउंट आएगा, उसका कोई आयन काउंट ही नहीं आएगा, मोलिकुलर आयन का कोई आयन काउंट ही नहीं आएगा। और अगर मॉलिक्यूलर आयन का कोई आयन काउंट ही नहीं आया तो उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, उसकी इंटेंसिटी लीस्ट आएगी। और लीस्ट होने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर आयन क्या पता तुम्हें दिखे भी ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इफ द मॉलिक्यूलर आयन इज मोस्ट अनस्टेबल देन मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल मे बी अब्सेंट। और मे बी अब्सेंट वाला केस कौन सा हो जाता है, मे बी अब्सेंट वाला केस वैसा हो जाता है कि मान लो आपको मैंने आपका मास स्पेक्ट्रा दिया, इसमें जो मॉलिक्यूलर आयन था वो उसकी बहुत कम इंटेंसिटी है मॉलिक्यूलर आयन की, ठीक है, और बाकी के सिग्नल दूसरे जो हैं उनकी इंटेंसिटी ठीक ठाक है, कोई दूसरा बेस सिग्नल है, बेस सिग्नल कोई दूसरा हो सकता है, ठीक है। अच्छा सिचुएशन नंबर थ्री में क्या हो, सिचुएशन थर्ड में क्या हो, आपका मोलिकुलर आयन मॉडरेटली स्टेबल हो। इफ द मोलिकुलर आयन इज मॉडरेटली स्टेबल, इफ द मोलिकुलर आयन इज मॉडरेटली
मॉडरेटली स्टेबल और मॉलिकुलर आयन मॉडरेटली स्टेबल होगा तो क्या होगा, मॉलिकुलर आयन आपका मॉडरेटली स्टेबल है तो उसका आयन काउंट कम है, आयन काउंट कम है तो मॉलिकुलर आयन आपका अलग अलग से दिखेगा और आपका बेस पीक आपको अलग से दिखेगा। देन मॉलिकुलर आयन सिग्नल इज प्रेजेंट, मॉलिकुलर आयन सिग्नल इज प्रेजेंट, मॉलिकुलर आयन सिग्नल प्रेजेंट तो होगा बट इट इज नॉट द बेस पीक, इट इज नॉट द बेस पीक, इट इज नॉट द बेस पीक। तीसरा केस ही होता है, इट इज नॉट द, एक सेकेंड, इट इज नॉट द बेस पीक, बेस पीक, ये बेस पीक नहीं होगा। फिर अपीयरेंस कैसे आएगी, फिर अपीयरेंस आपकी ऐसे आएगी कि मान लो मैंने मास स्पेक्ट्रम आपको दे दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग भाई एम बाई जेड है, यहाँ ऐसे एम बाई जेड है और इधर वाई एक्सिस के अलोंग रिलेटिव इंटेंसिटी है, ठीक है, ये ध्यान देना। मॉलिकुलर आयन आपका मॉडरेटली स्टेबल है तो उसके कुछ आयन्स बने, ठीक है, मॉलिकुलर आयन मॉडरेटली स्टेबल है तो उसके कुछ आयन्स बने और वो बेस पीक नहीं है, बेस पीक कोई दूसरी है, बेस पीक कोई दूसरी है, ठीक है। ये तीन केस आ सकते हैं बच्चे, आगे समझो। आपको एक मॉलिकुलर आयन एक स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है, मान लो एक आपको मास स्पेक्ट्रम दे दिया ऐसे, ठीक है, और मैंने इसमें कुछ पीक्स बना दी, ये एक यहाँ बना दी, एक ये बना दी, ठीक है, एक यहाँ बनाई, ठीक है, एक इस ये बना, कुछ ये पीक्स बना, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या है एम बाई जेड है, अलोंग वाई वाई एक्सिस क्या है, अलोंग वाई एक्सिस आपकी रिलेटिव इंटेंसिटी, अलोंग वाई एक्सिस क्या आपकी रिलेटिव इंटेंसिटी। अब एक चीज समझना, जब आप मॉलिकुलर आयन देखते हो, मॉलिकुलर आयन देखते हो तो क्या देखते हो, सी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देखते हो, और जब आप बेस सिग्नल देखते हो, बेस सिग्नल देखते हो तो आप क्या देखते हो, वाई एक्सिस देखते हो, मॉलिकुलर आयन के लिए एक्स एक्सिस देखते हो, बेस सिग्नल के लिए वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो गया, मॉलिकुलर आयन सिग्नल हो गया। और इस मॉलिकुलर आयन को सिग्नल को मैं एम से दिखा रहा हूँ, इस मॉलिकुलर आयन सिग्नल को मैं किससे दिखा रहा हूँ, एम से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या होता है, मॉलिकुलर आयन सिग्नल का मास बताना, मॉलिकुलर आयन सिग्नल का मास वही होगा ना जो तुम्हारा कंपाउंड का मास है, और कंपाउंड का मास अगर 250 है तो मॉलिकुलर आयन सिग्नल भी किस पे दिखेगा, 250 पे ही दिखेगा, मॉलिकुलर आयन सिग्नल भी किस पे दिखेगा, 250 पे ही दिखेगा ना। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, देखो यहाँ छोटी छोटी इंटेंसिटी के कुछ पीक और मिलती है ऐसे कर, ऐसे कर, ठीक है, छोटी छोटी इंटेंसिटी की कुछ पीक और मिलती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये मॉलिकुलर आयन का सिग्नल था, ठीक है, ये 250 पे था तो कोई पीक 251 पे मिल गई, एक 252 पे मिल गई, ठीक है। तो अगर मॉलिकुलर आयन को मैंने एम माना था, मॉलिकुलर आयन को अगर मैंने एम माना था तो ये 250 वाला क्या ये एम प्लस वन पीक है, और 252 वाला क्या ये एम प्लस टू पीक है ना। और ये पीक एम प्लस वन एम प्लस टू किसके कारण आती है, ये एम प्लस वन एम प्लस टू आइसोटोपिक सिग्नल्स होते हैं, आइसोटोप की प्रेजेंट के कारण ये सिग्नल आते हैं, ठीक है। बुक्स में क्या लैंग्वेज में लिखी मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम मॉलिकुलर आयन सिग्नल एंड फ्रेगमेंट आयन सिग्नल सम अदर इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड सिग्नल आर प्रेजेंट विच आर नोन एज आइसोटोपिक मास सिग्नल, इनको क्या कहते हैं, आइसोटोपिक मास सिग्नल कहते हैं। अच्छा, ये तो मॉलिकुलर आयन के साथ था, और अकेला मॉलिकुलर आयन के साथ भी नहीं, ठीक है, मैंने आपको अभी एक मास स्पेक्ट्रम बताया था कि मान लो एक 250 मास का आएगा, एक 100 का आएगा, एक 150 का आएगा, एक 200 का आएगा, तो जो मॉलिकुलर आयन है ना, मॉलिकुलर आयन है सिर्फ उसके साथ नहीं होता, मॉलिकुलर आयन के अलावा ये जो पीछे के रह गए सिग्नल, इन सभी को फ्रेगमेंट सिग्नल कहते हैं, इन सभी को फ्रेगमेंट आयन्स के सिग्नल कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ मॉलिकुलर आयन के साथ जरूरी नहीं है, इनके साथ भी ऐसे करके छोटी छोटी पीक्स एसोसिएटेड होती है, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी पीक्स एसोसिएटेड होती है, ऐसे करके छोटी छोटी पीक्स एसोसिएटेड। और अगर मैं फ्रेगमेंट आयन को एफ से दिखा रहा हूँ, फ्रेगमेंट आयन को एफ से दिखा रहा हूँ, तो जो फ्रेगमेंट आयन के सिग्नल आते हैं ये हो सकता है एफ प्लस वन पे आ जाए, हो सकता है एफ प्लस टू पे आ जाए। तो ये देखना मॉलिकुलर आयन का सिग्नल कहाँ पे आया, एम पे आया, ठीक है, फ्रेगमेंट आयन का सिग्नल कहाँ पे आया, एफ पे आया। अगर एग्जाम्पल हो गए तो मान लो तुम्हारा मॉलिकुलर आयन का सिग्नल कहाँ आया, मान लो तुम्हारा मॉलिकुलर आयन का सिग्नल आया 250 पे,
ठीक है, जो फ्रेगमेंट आयन है उसका एक 150 पे आ गया, एक का 100 पे आ गया, एक का 70 पे आ गया, एक का 60 पे आ गया, ठीक है, ऐसे करके। तो 150 के साथ आपको मान लो 151 का दिख गया, 152 का दिख गया, ठीक है, 100 के साथ आपको 101 का दिख गया, 102 का दिख गया, इस तरह करके। तो मोलिकुलर आयन के साथ जो एसोसिएटेड सिग्नल होता है उनका मास M+1, M+2 ऐसे पता है, और फ्रेगमेंट आयन के साथ जो एसोसिएटेड होता है उनका F+1, F+2 पाता है, ठीक है। और ऐसे सिग्नल क्या कहलाते हैं, ऐसे सिग्नल आपके आइसोटोपिक मास सिग्नल कहलाते हैं, आइसोटोपिक मास सिग्नल्स कहलाते हैं, आइसोटोपिक मास सिग्नल कहलाते हैं। और ये आइसोटोपिक मास सिग्नल होते क्यों हैं, आइसोटोपिक मास सिग्नल आर ड्यू टू नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, अलग अलग एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनकी नेचुरल अबंडेंस के कारण ये आपके आइसोट्रोपिक मास सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन और ये देखो, इसके साथ ही साथ एक और बात, ये जो मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल है, मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल और ये जो M+1 M+2 के सिग्नल है, इनकी जो इंटेंसिटीज हैं, इनका यूज करते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल, मैंने तुम्हें क्या कहा कि एक सिग्नल होगा मॉलिक्यूलर आयन जिसका M/Z सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, M/Z सबसे ज्यादा होगा। उसके साथ कुछ सिग्नल आपको ऐसे एसोसिएटेड मिलेंगे M+1 के, M+2 के, जिनकी इंटेंसिटी किसी की 1%, किसी की 2%, किसी की 5%, ठीक है, किसी की 10%। यहाँ पे देखोगे तो अगर ये मॉलिकुलर आयन तुम 50% कह रहे हो, तो इस मॉलिकुलर आयन के रिस्पेक्ट में हो सकता है ये वाला M+1 वाला सिग्नल 10% दिख जाए, हो सकता है M+2 वाला सिग्नल 2% दिख जाए, ठीक है, ये इंटेंसिटी दी होती है इस मास स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो इस मॉलिकुलर आयन के सिग्नल की इंटेंसिटी और इस M+1 M+2 के सिग्नल की इंटेंसिटी का यूज करके, इंटेंसिटी का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।